हाय फ्रेंड्स, आई एम सागर। आई एम काजल। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं मुफ्ती तारिक मसूद जी का बयान है, औरतें बाल कितना कटवा सकती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ कुछ सीख ऐसी होती है ना कि धर्म के आधार से पता चले तो बहुत अच्छा लगता है, तो सीख मिलती है जिंदगी में बहुत अच्छी। तो ये क्या है, सीख क्या है बाल तारिक मसूद? औरतें बाल क्यों नहीं कटवा सकती? औरतों के लिए आम हालात में बाल कटवाना जायज़ है या नहीं, जबकि इस बारे में कोई हदीस नहीं है, इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। देखिए, हदीस में आता है कि औरतों को मर्दों की मुशाबहत से और मर्दों को औरतों की मुशाबहत से मना किया गया है। अब ये बात पूरी दुनिया में मुसल्लम है कि औरत को अल्लाह ने लंबे बाल दिए हैं, तो उसके लिए बाल कटवाना ये मर्दों से मुशाबहत है, इसलिए ये सही नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं उम्महातुल मोमिनीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद बाल कटवाए थे, छोटे करवाए थे, तो इसलिए बाज़ लोग कहते हैं इससे पता चलता है औरत बाल छोटे करवा सकती है। तो खूब समझें कि उम्महातुल मोमिनीन ने नबी के इंतकाल के बाद जो बाल छोटे करवाए थे वो जीनत ख़त्म करने के लिए, कि अब शौहर का इंतकाल हो गया तो हमने बालों की जीनत किस के लिए, ये तो शौहर के लिए थी, तो जीनत ख़त्म करने की नीयत से थोड़े से छोटे करवाए थे बाल उन्होंने। जबकि आज औरतें जो बाल छोटे करवाती हैं वो फ़ैशन के लिए, जीनत पैदा करने के लिए। तो ये तग़ीर खल्किल्ला है, ये अल्लाह की तख्लीक़ को बदलना है कि जिस चीज़ में अल्लाह ने जीनत रखी है लंबे बालों में, आप उसके ख़िलाफ़ को जीनत करार दे रहे हो, तो ये अल्लाह की तख्लीक़ को बदलना है। इसलिए औरत के लिए नाजायज़ है कि वो जीनत के लिए बाल छोटे करवाए। इसलिए उलमा कहते हैं कि अगर कोई इसलिए बालों के किनारे छोटे कर रही है कि इससे बाल सेहतमंद हो जाएंगे, तो ये जायज़ है। तो इसलिए औरत के लिए इसलिए बाल छोटे कराना कि फ़ैशन के तौर पर, जीनत के तौर पर, तो चूँकि फुसाक औरतों का शियार है, गैर मुस्लिमों का शियार है, तो ये मुसलमान औरत के लिए जायज़ नहीं है। और अगर वैसे ही छोटे करवाती है कि वो बालों की नोकें छोटे करवा रही हैं कि ताकि वो थोड़े से एक लेवल में आ जाएँ, तो ये जायज़ है। और अगर कोई इसलिए छोटे करवा रही है कि बहुत ही लंबे हो गए हैं, संभालना मुश्किल है, तो भी जायज़ है, लेकिन इतने छोटे कि मर्दों से मुशाबहत ना हो। तो इसलिए उलमा कहते हैं कि कम से कम जो है ना, इतने बाल जो कमर तक आ रहे हों और जो जिसमें चुटिया बन सकती हो, बाज़ उलमा ने ये भी कहा है कि जो औरतों के बाल होते हैं कम से कम चुटिया बन सकती हो उस बालों में अगर कोई बनाना चाहे, तो इससे ज़्यादा छोटे करने की इजाज़त नहीं है। बहुत अच्छी वीडियो था और ये सवालों के जवाब दे रहे थे शायद मौलाना साहब। और ये बहुत अच्छी ये जो मौलाना है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि सवालों के जवाब देना चाहिए और कुरान के हिसाब से दे रहे हैं सब जवाब। और मेरे ख्याल से फैशन के तौर पर बाल नहीं कटवाने चाहिए, क्योंकि कुछ और औरतें ज्यादा बालों में ही खूबसूरत लगती है, ना कि छोटे बालों में। मेरे भी बाल मैं कॉलेज के दिनों में तो थोड़े थोड़े कटवाती थी, लेकिन जब शादी होने के बाद तो मैंने कभी कटवाए नहीं, तो मेरे बहुत लंबे बाल हो गए। आप तो आपको मैं खुले नहीं, नहीं खुले क्यों करने के, इनको क्यों दिखाने का, व्लॉग में देख सकते हैं। चोटी दिखाऊंगी, इतनी बड़ी चोटी है मेरी। और ये क्या है ना, आज मैंने ये दो तीन सागर वेनी पहनी, ऐसे 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 वेनी, उसका नाम बाल की जो चुटिया बोलते हैं उसको सागर वेनी बोलते हैं हमारे इधर। मैंने वो ली है तो उसके नाम में भी मेरा नाम है।